हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 3 और जिसमें हम हार्ड वर्ड्स को देखेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे रीचिंग द होली से लेकर के और माय वे होम। ओके, तो पहले हार्ड वर्ड्स को देख लेते हैं रीडिंग करने से पहले। चलिए, पहला है बच्चों DWELLING, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है आवास, यानी जो रहने की जो जगह होती है। ठीक है, प्लेस, प्लेस यानी जगह, यानी आवास स्थल या रहने की जगह। NODEED, नोडेड। नोडेड यानी सिर हिलाया। जैसे हमसे, जैसे मान लो कोई नमस्ते कर, आप किसी से नमस्ते करते हो तो क्या करते हैं, बदले में सिर हिलाते हैं, नमस्ते बेटा, नमस्ते, ऐसे। तो नोडेड यानी सिर हिलाया। ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से या फिर स्पष्टतः। ओके, आगे देखो, THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी जोर लगाना। जैसे मान लो किसी पत्थर को उठाते हैं हम, किसी वजन, भारी वजन को, तो जोर लगाना पड़ता है ना हमने। या फिर जैसे मान लो ज़मीन में, मान लो खुदाई कर रहे हैं किसी फावड़े से, तो हमें उसको खोदने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है ना, तो थ्रस्ट, जोर से मारते हैं उसमें, तो थ्रस्ट यानी जोर लगाना। हीव्ड, HEAVED, हीव्ड यानी आह भरना। आह भरना मतलब जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा टीचर आपको पनिशमेंट करती हैं, है ना, आपकी पिटाई होती है, तो आप क्या करते हो, दर्द होता है आपकी, तो क्या करते, आह लग गई, ऐसे करते हो ना। या फिर जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, या फिर आपसे कोई कहा जाए कि आप ना इस भारी पत्थर को उठा के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, उठाते टाइम पूरे मुंह से आह की आवाज़ निकलेगी, पूरा दम निकाल, दम लगा दोगे फिर भी ठीक है, उठता नहीं, कभी कभी पूरा शरीर दम लग जाती है फिर भी, तो मुंह से आवाज़ निकलती है ना। तो हीव्ड। अप्रोच्ड यानी संपर्क किया। अप्रोच यानी संपर्क करना है, अप्रोच यानी संपर्क किया। पैटेड यानी पीठ थपथपाई, है ना, कभी टीचर आपकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाश बेटा, या मम्मी पापा, ऐसे। पैटेड यानी पीठ थपथपाई। SPEED, स्पीड। स्पीड यानी फावड़ा, आप जानते हो, है ना, उसको कहते हैं खुदाई करने के लिए काम में आता है जो। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक और शब्द आया था जिसका मतलब था इंसीटेड, वो अलग शब्द था, ठीक है। इंसीटेड, आप, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, ये तो है इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। स्पेलिंग देखो, INSTEAD, इन, इंस्टेड, जबकि ये वाला जो वर्ड है, लेट मी शो यू, जरूर इसमें मैंने लिखा होगा, देखो बच्चों ये A1 में मैंने लिखा था, ये इस, ये भी इंस, ये है इंसिस्टेड यानी जोड़ दिया, और वो है इंस्टेड। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इंस्टेड समझ में आ रहा है, उसके में के बजाय, वहाँ था जोड़ दिया। अटेंटिवली यानी ध्यान से, ओके, ध्यानपूर्वक। तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए। रीड द पैराग्राफ्स एंड गिव द आंसर्स। व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग, हर्मिट क्या कर रहा था। व्हाइल द एम्परर रीच्ड टू द हर्मिट, जब राजा हर्मिट के पास पहुंचा। डिड एम्परर हेल्प द हर्मिट, क्या एम्परर ने हेल्प की हर्मिट की। टू डिग द गार्डन, गार्डन को डिग करने के लिए। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, राइट सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को लेकर के आपको सेंटेंस बनाने हैं, और ऐसे सेंटेंस जो कि इस बुक के नहीं होने चाहिए, अलग बनाने हैं आपको। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखो बच्चों, तो हमारी स्टोरी हो गई थी कहाँ तक, कि जो एम्परर था वो अपने जो उसके जो वो थे परिचालक, ठीक है, अटेंडेंट्स, वो उनको नीचे छोड़ जाता है और वो पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़ जाता है और
वहाँ चला जाता है उनके पास, हर्मिट के पास। ठीक है, तो देखो, रीचिंग द होली मैंस ड्वेलिंग प्लेस, होली यानी पवित्र, तो जो हर्मिट था वो तो पवित्र आदमी होते हैं, है ना, संत महात्मा होते हैं बच्चों। तो रीचिंग द होली मैंस ड्वेलिंग प्लेस, उस पवित्र आदमी के आवास स्थल पर पहुँच कर द एम्परर फाउंड, तो एम्परर ने पाया द हर्मिट डिगिंग, जो हर्मिट डिगिंग अ गार्डन, एक हर्मिट को एक गार्डन बनाते हुए, गार्डन बनाने के लिए जगह को खोद रहे थे वो, तो उस राजा ने देखा कि वो हर्मिट जो हैं वो गार्डन बनाने के लिए खुदाई कर रहे हैं। इन फ्रंट, इन फ्रंट यानी सामने ऑफ हिज हट, अपनी हट के सामने, अपनी झोंपड़ी के सामने, देखो ये आप देख रहे हो अपनी झोंपड़ी के सामने ये क्या कर रहे हैं, ये डिगिंग कर रहे हैं गार्डन के लिए। ठीक है, व्हेन द हर्मिट सॉ, जब हर्मिट ने देखा द स्ट्रेंजर, अजनबी को, ही नोडेड हिज हेड, तो उसने अपना सिर हिलाया इन ग्रीटिंग, अभिवादन में। ठीक है, एंड कंटिन्यू टू डिग, मतलब जब उसने, हर्मिट ने उस अजनबी आदमी को देखा तो उस अजनबी आदमी ने उनको प्रणाम किया, नमस्ते किया, तो उसने बदले में, हर्मिट ने क्या किया, अपना सिर हिलाया, ग्रीटिंग स्वीकार किया, अभिवादन स्वीकार किया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और वापस से खुदाई में लग गए। द लेबर वॉज ऑब्वियसली, यानी स्पष्ट रूप से जो लेबर करना, मेहनत करना, हार्ड ऑन हिम, उनके लिए मेहनत करना बहुत हार्ड था। क्यों? ही वॉज एन ओल्ड मैन, क्योंकि वह एक बूढ़े आदमी थे, जो हर्मिट थे एक बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे ये बियर्ड आ रखी है, दाढ़ी आ रखी है इनकी। एंड ईच टाइम, और हर बार, ही थ्रस्ट हिज स्पीड, थ्रस्ट यानी जोर लगाना, ठीक है, हिज स्पीड, अपने फावड़े को वो जमीन में जोर से मारते, इन टू द ग्राउंड, जमीन में, ग्राउंड में, टू टर्न द अर्थ, मिट्टी को खोदने के लिए, टू टर्न, टर्न यानी बदलने के लिए, खोलने के लिए, खोदने के लिए, ही हीव्ड हैवीली, तो उनके मुँह से कैसी आवाज़ निकलती, आ भरी एक आवाज़ निकलती, मतलब उनको बहुत जोर लगाना पड़ता था, उनके मुँह से आवाज़ निकल आती थी जोर लगाने की वजह से, तो पता चल रहा था कि कितने बूढ़े हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं, उनके लिए काम करना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद वो लगे हुए थे। द एम्परर अप्रोच्ड, जो एम्परर था वो, उसने संपर्क किया, मतलब उनके नज़दीक गया और उनसे बोला, एंड सैड, और बोला, आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, टू आस्क योर हेल्प, तुम्हारी सहायता मांगने के लिए, मतलब तुमसे हेल्प मांगने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ, विद थ्री क्वेश्चन, तीन क्वेश्चनों को लेकर। वैन, तीन क्वेश्चन क्या थे उन्होंने बताए, वैन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ईज थिंग, हर काम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन था, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू वर्क विद, मतलब सबसे अच्छे लोग कौन हैं, इम्पॉर्टेंट लोग कौन हैं जिनके साथ काम किया जाए, और तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू एट ऑल टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हर समय करी जा सकती है, ऑल टाइम करी जा सकती है। ओके, तो उन्होंने बता दिया कि भाई मैं किस काम से आया हूँ, तीनों क्वेश्चनों का उन्होंने बता दिया। द हर्मिट लिसेंड अटेंटिवली, दो जो हर्मिट जो है उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, बट लेकिन ओनली पैटेड, लेकिन केवल पीठ थपथपाई द एम्परर, एम्परर की, ठीक है, यानी राजा की केवल पीठ थपथपाई, उन्होंने ध्यान से क्वेश्चन सुने और सुन करके उनकी पीठ थपथपाई, ऑन द शोल्डर, कंधे पे, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वापस से खुदाई में लग गए। द एम्परर सेड, राजा ने कहा, यू मस्ट बी ट्राइड, यू मस्ट बी टायर्ड, मतलब तुम थक गए होंगे, हेयर लेट मी गिव यू, लेट मी गिव, मुझे करने दो, लेट मी गिव यू हैंड विद दैट, मतलब मुझे काम करने दो, मुझे ये करने दो। द हर्मिट थैंक्ड हिम, तो हर्मिट ने उनका धन्यवाद किया, हैंडेड द एम्परर स्पीड, और द हर्मिट थैंक्ड हिम, हर्मिट ने धन्यवाद दिया उसे, महाराज को धन्यवाद दिया जब उसने कहा कि आप थक गए होंगे और मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर देता हूँ, हैंडेड द एम्परर, और जो एम्परर को जो स्पीड है वो हैंडेड कर दिया यानी थमा दिया। एंड देन, और उसके बाद सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गए टू रेस्ट, आराम करने के लिए।
ओके स्ट्रेंट, आफ्टर ही हैड डग टू रोज, मतलब दो लाइन उन्होंने खुद दी थी गार्डन की, द एम्परर स्टॉप्ड, तो राजा जो है रुक गई, दो लाइन खोद करके रुक गई, एंड टर्न टू द हर्मिट, और उस हर्मिट के पास, संत महात्मा के पास की तरफ मुड़ी, एंड रिपीटेड, और दोहराया हिज थ्री क्वेश्चंस, उन्होंने तीन अपने जो क्वेश्चंस थे उनको दोहराया। ओके एक मिनट, ओके देखो, और आपने क्वेश्चनों को दोहराया, द हर्मिट स्टिल डिड नॉट आंसर, लेकिन हर्मिट ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, स्टिल यानी फिर भी, अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बट लेकिन इंस्टेड स्टूड, खड़े होने की बजाय, एंड पॉइंटेड टू द स्पेड, और स्पेड की तरफ, उसको फावड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, वाई डोंट यू रेस्ट नाउ, कि तुम अब आराम क्यों नहीं कर लेते, आई कैन टेक ओवर अगेन, मैं इसे दोबारा कर लूँगा, मैं उसको फिर कर लूँगा बाद में। तो ये हरमिट ने कहा किससे, एम्परर से, कि अब तुम आराम कर लो, मैं कर लूँगा इसको बाद में। बट लेकिन द एम्परर कंटिन्यू टू डिग, लेकिन एम्परर जो है खोदने में लगे रहे। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया, देन टू, फिर 2 घंटे बीत गए, इसी तरह से पूरा टाइम निकल गया। फाइनली द सन बिगेन टू सेट, जो सूरज है उसने छपना शुरू कर दिया था, बिहाइंड द माउंटेन्स, पर्वत के पीछे, यानी शाम हो गई थी और वो सूरज ढलना, सूरज ने ढलना शुरू कर दिया था। द एम्परर पुट डाउन द स्पीड, तो एम्परर ने जो स्पीड था फावड़ा वो नीचे रख दिया, एंड सेड टू द हर्मिट, और अब हर्मिट से कहा, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ यू कुड आंसर, अगर तुम मेरे आंसरों का जवाब दे सकते हो, माई थ्री क्वेश्चन, मेरे 3 क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो, बट लेकिन इफ़ यू कांट गिव मी एनी आंसर, लेकिन यदि मुझे 3 आंसरों के जवाब, मतलब नहीं देख सकते आप, किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, प्लीज़ लेट मी, तो मुझे जाने दो, लेट मी नो, और मुझे जानने दो, मुझे समझने दो, क्या मुझे, मतलब आप अगर इनका आंसर नहीं दे सकते तो मैं खुद इनका आंसर ढूंढ लूँगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे जाने दो और मुझे समझने दो, सो दैट, जिससे कि आई कैन गेट ऑन माई वे होम, जिससे कि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। ओके स्ट्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और देखते हैं क्या अब जो हर्मिट है उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, और राजा क्या बिना आंसरों के ही घर पे वापस लौट जाता है या क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स यू ऑल।